और इस तरह से ओपनली डिस्प्ले करना, बल्कि इसमें तो मुझे सेटनिज्म नजर आ रहा है, यानी बहुत ही सेटानिक। और यानी एक जगह पे तो वो या जैन स्वागत है सभी का आमिर्स डेन के एक और स्मोकी नाइट में। इतना ही नहीं, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो आगे लेके जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इजराइल के लिए वीडियोस, उसके अपडेट्स मैं अपने टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के चैनल पे पोस्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं। अगर कोई भी चैनल को यूट्यूब शैडो बैन करता है या ब्लॉक करता है, तो हमारे पास कोई चैनल सेफ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें तो डेली अपडेट्स आ रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ये चैनल पे अपडेट नहीं आ रहा, आप प्लीज मेरा दूसरा चैनल चेक कीजिए और इंस्टाग्राम चेक कीजिए। इनका पूरा मिसोनिक टेम्पल ही रिचुअल से भरा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग टाउन से ही। The shots are running, but never ending. Always cloudy. मैसोनिक टेम्पल हैदराबाद में भी है, दूसरे जगह भी रहते, अभी शायद सिकंदराबाद मूव हो गया है। मैसोनिक टेम्पल्स में क्या बात होती भाई, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की बातें होते कहते हैं। बुलशिट। ये बहुत फेमस वीडियो है, मेरे को मेरा इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है। और इस तरह से ओपनली डिस्प्ले करना, बल्कि इसमें तो मुझे सेटनिज्म नजर आ रहा है, यानी बहुत ही सेटानिक। और यानी एक जगह पे तो वो या ज़ैनब करके भी, मतलब आप देखें कि वो दीन का भी कुछ लग रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इतनी यानी ऑडेसिटी कैसे यार आप में आ सकती है। वाओ भाई, एलजीबीटी मूवमेंट इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पाकिस्तान में। जिया भाई, ये तो नहीं, अब तक वाज़े हो चुका है कि ये क्या माजरा है। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, जरूरी है आपके ऑडियंस के लिए समझना कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हैं कौन। ये मुर्तज़ा भुट्टो साहब, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो फाउंडर हैं, उनके बेटे थे मुर्तज़ा भुट्टो जी। ये उनके बेटे हैं, यानी कि ये ग्रैंड सन है भुट्टो के डायरेक्ट, और बिलावल साहब के ये कजन हुए। पाकिस्तानी एक्स पीएम का पोतरा है ये, डैम व्हाट द ऑफ। मगर पोतरा सेटनिज्म में कई को खोदिया एकदम, एलजीबीटी तो बहाना है मगर प्योरली उन्हें सेटनिक चीजें कर रहा। अच्छा, ये अपने आप को ओपनली क्वियर कहते हैं? बिल्कुल, ओपनली एलजीबीटी प्रो कहते हैं। एंड आई वांटेड टू एजुकेट पीपल इन सेइंग दैट यस, आई कैन बी पाकिस्तानी एंड मुस्लिम and a member of the LGBTQ community at the same time, and it doesn't have any effect, it doesn't contradict either of these things. ये आपको फलूदा इस्लाम कहते हैं? फलूदा इस्लाम क्या है, कौन है, क्या है? I think ये जवाब मेरे लिए मुश्किल है। फलूदा इस्लाम was meant to be. Meet Faluda Islam, the Muslim drag queen from the future. Wow! किस मोड़ पर आ गए हम दुनिया के? Wow! An art project, not an identity. She's. भाई जितने भी आर्ट्स फैशन इंडस्ट्री के लोग रहते हैं ना, प्योरली शैतानिक चीजें करते हो लोग, सुने, शैतानिक चीजें करते हो लोग। My alter ego, my performance alter ego, in her live performance practice. She's not alive, she's dead, she's a zombie. ये जो बंदा है, देखें, ये ज़ुल्फ़िकार, ये अपने आप को फालूदा इस्लाम, I mean, what kind of terminology is this?
आपने यानी इस्लाम का ये एक मजाक बना रहे हैं आप फलूदा, यानी यू डोंट टेक इट सीरियसली, रादर यू आर काइंड ऑफ रिडिक्यूलिंग इट। जब मैंने पहली दफा ये नाम पढ़ा ना तो मुझे तो यही फीलिंग आई, मैं ना इनको अनबायस्ड समझता होता अगर ये ऐसी टर्म्स जो है ना बाकी अगर हिंदुइज्म के बारे में ये ऐसी बात कर रहे होते तो फिर कहते यू वुड नेवर फाइंड देम इंसल्टिंग अदर रिलीजन, इंसल्टिंग इज ओनली फॉर इस्लाम, क्योंकि इस्लाम को भी ये अटैक काइंड ऑफ करते हैं मे बी अंडरकवर या जो भी, क्योंकि उसके बगैर इनका इनकी वैल्यूज प्रमोट नहीं हो सकती। क्वीर कहते हैं अपने आप को और ये नॉर्मल वाला क्वेयर नहीं कहते, ये इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, ये अपने आप को मुस्लिम क्वेयर कहते हैं, मुस्लिम होमोसेक्सुअल कहते हैं। Thank you all for coming tonight. This wonderful queer community, this beautiful queer community, this beautiful queer community of color has given me a lot of support over the years, and I really want to see more faces of color in the Castro. I think agar hum queer identity ke bare mein baat karenge, har individual ke liye inki alag kahani hai. Queer is a politics. Muslims are people and people are queer. I'm sorry bhai, LGBT और इस्लाम एक साथ नहीं रह सकता, खुली बात, ठीक है। हुआ अलैहि सलाम, आदम अलैहि सलाम, क्रिश्चियनिटी में क्या है, एडम एंड ईव बोलते हैं। अगर आप हिंदुइज्म में ले ले तो राम सीता है, देयर इज नो सच थिंग एज सेम जेंडर इन रिलीजन। यस गाइस, सो मुसलमानी गॉड शुड डेफिनेटली थमस अस्तानस मुस यू गो स्टेज रिस्पेक्ट यू गो इस मुसलमान है क्या फिश इन अ ग्रेवियर्ड टू कास्ट स्पेल्स। वाओ कश्मीर, वाओ बैक टू बैक मेरे कश्मीर के ही आ रहे रील्स। इश पाकिस्तान इश मुसलमान Till this seher end, just by opening this, most probably yes, bhai. मैं रुखिया आपको end of the day इंसान पे और वो चीज़ पे करना ही चाहता था। और एकदम रुखिया होने का इंसान हील भी हो गया ना, उसको थोड़ा वक्त लगता मालूम सेट होने में। यह चुबिया आता। क्या आता है? तो घर आ जाता है गुलों में। सब गुलों से लगा। शहर को इसपे मारूंगे। लश्कर तो आप लोग सोच रहे होंगे ये जानवर पे हड्डियों पे क्यों रहता, ये वो जानवर रहते जिनको अल्लाह के नाम से हटके दूसरे नाम पे ये लोग उनके जो भी शैतान है उसके नाम पे ये लोग उसको जुबा करते और उसके साथ ये लोग मैजिक स्पेल्स लपट के फेंकते गाड़ते। चीज लिख रहे हर चीज रुक जा रही, तेरा कैमरा क्यों नहीं बंद हो रहा, ये पत्थर से बोल रहे İşte başlarındaki melanet abi, başka bir şey değil. Bunun için kurdu burayı. Bak. Oo, figures वो देख रहे हैं ये घर में और बिच्छू क्या है तनक मीनिंग है स्नेक बिच्छू ख्वाबों में आना डेवल्स वगैरह भी देख रही है घर वालों को इफेक्ट करने के लिए ये गाड़ी उन लोग के घर के तरफ। अब आप लोग बोल रहे होंगे घर के बाहर है ना भाई घर के अंदर नहीं, बोले तो वो रेडियस में तो है ना, वो रेडियस में कौन है भाई मेरे पास जो कमेंट कर रहे थे अंधविश्वास चीजें हैं, ये बोल के ये अंधविश्वास है नहीं, इन्हें बेवकूफ है, निकालने वाले बेवकूफ है, गाड़ने वाले बेवकूफ है। नहीं अकबर हुई 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 तो क्या कोई परेशानी तो नहीं, उसके बाद फिर जो है ना इस लॉक को भी खोल देंगे, ये दिखाइएगा मुझे भाई। अल्लाह अकबर हुई 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 ये अब दिखाइएगा नजर आ रहा है बंद कहीं ना कहीं जब इंसान प्रॉब्लम्स में रहता ना एक तो आजमाइश रहती, दूसरी चीज आजमाइश उतनी लंबी नहीं रहती, आजमाइश का दूसरी चीज जो है उसके तरफ जो है जिन असरात शैतान नजरबंद वगैरह जुड़ी हुई रहती जिसके लिए उनको रुखिया करने की जरूरत है। एनीवन सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स प्लीज डू कॉन्टैक्ट
द रुखिया सेंटेंस जिनके मैं आप लोग को नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें व्हाट्सअप करें ताकि आपको रिप्लाई मिले, वरना फोन जो है एक साथ उनको कॉल्स मारे तो बिजी जाते, अब नहीं तो एक घंटे का दो घंटे का वो लोग कैसा भी आप लोग को रिप्लाई करते वापस। ब्लैक मैजिक ऑफ सेपरेशन, सीरा टैफ्रिक। ये टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक है सेपरेशन का, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो करते, पहली चीज शादी नहीं होने देते, अगर शादी हो गई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हस्बैंड वाइफ में, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चे भी नहीं होने देते। ब्लैक मैजिक ऑफ लव, सीर अल महाबा। ब्लैक मैजिक ऑफ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सीर अ तकील। ब्लैक मैजिक ऑफ लूनेसी, सीर अल जुनून। ब्लैक मैजिक ऑफ लेथर्जी, सीर अल कुमूल। ब्लैक मैजिक ऑफ हियरिंग वॉइसेस, सीर अफ हवातीफ। ब्लैक मैजिक ऑफ बीइंग इल, सीर अल मराद। ब्लैक मैजिक ऑफ ब्लीडिंग, सीर अ नाजीफ। सीर ऑफ इंपीडिंग अ मैरिज। बहुत अच्छा पेज है भैया, तारा हीलिंग इंस्टाग्राम पे। एक मैजिशियन एक जादू कभी नहीं करता, 5-6-10 ऐसे खसम का करता, तो उनमें से एक भी अगर स्ट्राइक पड़ गई बोले तो खत्म। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह महफूज रखे तमाम बुरे चीजों से हमें। ये पहले आप लोग वीडियो देखो, मैं एंड में बोलता हूँ क्या है किची है, उसके हाथ में क्या है। उन्हें खोद रहा तो कुत्ते भोंकना शुरू करे, सो देखे पीछे क्रीपी मैन। في صوت بسم الله ضاك تسموا يعني شو ما عشرة بسم الله الرحمن الرحيم والله فتحت اقسم بالله فتحت والله فتحت هي من عندي بينه بينه والله بينه على الكاميرا ايش فتحت بسم الله يا الله يا الله يا الله يا رب في ايش بيتحرك جوا بسم الله الرحمن الرحيم ايه تراب كيف الريح بتطلع؟ ايش اخضر بيطلع يابا؟ یا اللہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو پہلے کے زمانے کے ٹریجر ہنٹرز تھے جو پیرامڈ جیسے ایجپشن جگہوں پہ کھوتے رہتے ڈک کرتے رہتے مر جاتے ریسرچرز مر جاتے کیوں مر جاتے معلوم یہ پتا نہیں وہ وقت پہ ٹریجرز وغیرہ کو بندش کر کے ڈالتے تھے کیونکہ بینک وغیرہ رہتا نہیں تھا تو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے بندش کر کے سونا زمین میں ڈال دیتے تھے جو کہ غلط بات تھی آبویسلی اب چور سے کون بچائیں گا اب یہ طریقہ اپنا لیے تھے لوگ کیونکہ وہ چیز جو اطراف اس کو لپیٹی ہوئی رہتی وہ انسان جو اس کو کھودا نا اس کو لپٹ جاتی تو یہ لوگ ایک دم کھول کے جو کھانسنا شروع کرے دیٹ از نتھنگ بٹ بندش افیکٹنگ مگر ان کی موت پکاری ہے نا جو اندر جا رہی ہے حرکت کر لیتے تمام بسم الله شو مالك هات الكاميرا بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو هذا اللي فوق يابا طيب ابا يي شو هذا بسم الله فجابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبحانك يا رب يا الله شو مالك هذا ميت بسم الله الرحمن الرحيم ميت ها والله هيو شو هذا يا الله دير بالك سبحان الله سبحان الله عمو بحياري يا الله الحمد لله رب العالمين يا الله الحمد لله رب العالمين بس اوعى دير بالك بسم الله شو هذا في شيء اقسم بالله في شيء بالمع بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طلع عمي طلع بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب اي جمجمه
طيب شو هاي حرام نلعب العظم حرام حرام اه حرام دير بالك كيف الطوق خلينا نطلع بلاش بسم الله خلينا نطلع بالطوق بلاش تصير علينا شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسرعه بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسرعه يا عشر امسك انت الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انتبه بسرعه عم ابو حياري بسرعه والله يا عمي وين الله ايوه خلاص يا الله ट्रेजर बढ़ती है नहीं है और इतनी नीचे तक जाके रखना भाई खुली बात नीचे तक चोरों का अड्डा दिखा मेरे को कोई हाइडिंग स्पॉट दिखा नहीं ये आप लोगों को बता दूं ये गांव में क्या करते थोड़े लोग रहते हैं तो लोग हाथ में पकड़ के क्या करते हैं बोरवेल वाले जब आते पानी जमीन में ढूंढते रहते तो ये लोगों को बोलते तो ये लोग ये क्या करते हाथ में रख के ये स्टील टाइप प्लेट्स रहते हैं लंबे शीख के वैसे तो ये लोग आए तो एकदम ये मूव होते रहता है ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता उनके हाथ में रहता है मूव होते रहता तो क्या करते पैर से मारते फिर थोड़ा चलते पैर से मारते फिर थोड़ा चलते पैर से मारते मार के बोलते हैं पानी है या डिग करो मतलब बोरवेल वहां पर डिग करो पानी आता तुम्हारी खेती के लिए बास टाइम नहीं हुआ तो फिर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे मांग के कुछ भी ऑफरिंग कर देते ये वो चीज जो है कुर्बानी देने लगाते स्टील के प्लेट्स को लेके जाके बोलते यहाँ पे खुद पानी आता वहां पे पानी आ गया तो खत्म बाबा की जय बोलकर शुरू होता आप लोग को हदीस मालूम होंगी कि अपने पास जो है पेंटिंग्स पिक्चर्स फेसेस के साथ एनिमेटेड भी रहने दो एनिमल्स के फोटोज रहने दो अपने को नहीं लगाना है क्यों बोले तो ऐसी जगह जब जिधर ऐसे पेंटिंग्स लगाए जाते उधर फरिश्ते एंटर नहीं करते घर में बोल के हदीस है This horse painting. Oh my god. This horse painting is giving negative energy. The rain. यहाँ पे एक चीज नहीं यहाँ पे देखा कि हॉर्स के करीब जब उन्हें वो लेके जा रहा तो जो भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसका वो मूव हो जा रहा मतलब नेगेटिव एनर्जी इतनी एक्सट्रीम उसके अंदर से आ रही तो वैसे ही हमारे पास जो हदीस में बताया गया कि लिविंग थिंग्स के हम फोटोज घर में नहीं रखना है ना ही उसे ड्रॉ करना है जिस घर में ये रहेगा उस घर में फरिश्ते नहीं आते फरिश्ते नहीं आए तो बरकत चले आती बरकत चले गई तो इंसान परेशान रहता और ऐसे चीजें जो घर में रहते उधर जिन असरात रहते तो जो इंसान पोजेस रहता ना इट इज काइंड ऑफ उन्हें एक नेगेटिव फील्ड में रहता इसलिए जब आप सजदा करते ना नमाज में आप नेगेटिव फ्लो पूरा बाहर निकालते और एक पॉजिटिव एनवायरमेंट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बहुत स्ट्रांग रहते इसलिए बोलते देखो बाज लोगों का नमाज ही है तो भाई उसका एकदम ईमान मजबूत है ईमान मजबूत के साथ उसकी एनर्जी मजबूत रहती इंसान डिप्रेस रहा तो उसके तरफ उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती नेगेटिव से भरा हुआ रहता है आप लोग अगर सेल्फ रुखिया करना चाहें तो ये किताब कैसे भी खरीदें फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम हिस्नुल मुस्लिम ऐप डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो और जिन इन इस्लाम एंड साइंस वाली किताब अगर आप पढ़े तो उसके अंदर ढेर सारी नॉलेज आप लोग को मिलती है तो आप लोग जो पूछते हैं मेरे को नॉलेज कहाँ से कैसा ये किताब अगर आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग सेल्फ रुखिया सेल्फ ये चीज़ों को पहचान सकते हैं और खैर और नए नए वीडियोज़ के साथ आप लोग के आगे आते रहूँगा मैं होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को मेरे ज्वाइन करें कैसे भी व्हाट्सएप का लिंक मेरे चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिए और रुखिया वगैरह सेंटर्स की भी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दे देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हो फिर आऊँगा जल्द नए नए वीडियोज़ के साथ बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज़ है मेरे चैनल पर उन्हें भी चेकआउट करें बहुत मज़ा आएगा आपको एंटरटेनिंग है हॉरर है सीरी है हर किस्म का कॉन्टेंट मेरे पास तो हमें याद रखिए आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ टेक एन एंड सी यू सून अस्सलाम वालेकुम